अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर फराज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए आवाम के ऊपर जो तीर हैं उनके बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही फराहम करूंगा। गवर्नमेंट ने IMF से $3 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज जो है वो अप्रूव करवाया है, उसके बाद से गवर्नमेंट ने एक तरफ तो आवाम को खुशखबरी सुना दी है कि अब जो है वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहा, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बिजली की कीमतों में जो है एक बहुत बड़ा जो है वो इजाफे का नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। की तरफ से बिजली के फी यूनिट की कीमत के अंदर जो है वो ₹5 का इजाफा कर दिया गया है, जो कि आपको आने वाले बिजली के बिलों के अंदर जो है वो वाज़ह तौर पर दिखाई दे जाएगा। पाकिस्तान में अगर बात की जाए इस स्टेज ऑफ टाइम के ऊपर बिजली की फ़ी यूनिट कीमत जो है वो कम से कम आपको अगर देखा जाए तो फ़ी यूनिट आपको ₹14 का मिल रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ₹36 फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली फरोख्त की जा रही थी, जिसके अंदर ₹5 इजाफा करने के बाद आपको अब आपका बुनियादी यूनिट की जो प्राइस है वो कम से कम जो है वो ₹19 और ₹20 हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है वो ₹40 फी यूनिट तक बिजली महंगी हो चुकी है। इसके अंदर टैक्स वगैरह को शामिल कर लिया जाए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल ली जाए, तो आपको बिजली का एक यूनिट जो है वो आइंदा आने वाले बिलों के अंदर, ख़ास तौर पे वो तमाम दर लोग जो बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनको एक यूनिट ₹50 के हिसाब से फ़रोख्त किया जा सकता है। तो वो तमाम दर लोग जो ख़ास तौर पे 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली जो है वो कंज्यूम करते हैं एक महीने के अंदर, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो या तो अपनी बिजली के कंजप्शन को कम कर लें, और अगर वो कम नहीं कर सकते तो वो जल्द अज़ जल्द जो है वो अपना आपको जो है वो सोलर के ऊपर जो है वो शिफ्ट कराएँ। सोलर इस वक्त पिछले एक साल के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो कम से कम कीमत के ऊपर मौजूद है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपने आप को सोलर के ऊपर शिफ्ट करें ताकि गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाने वाले इन भारी भरकम बिलों के साथ साथ उन टैक्सेस से भी जो है वो आप जान छुड़ाएं जो कि आपको बिलों की मद के अंदर अदा करना पड़ते हैं। वो तमाम तर लोग जिन्होंने अपने घरों के ऊपर 3 फेज़ का कनेक्शन जो है वो लिया हुआ है, उनको पता है कि शाम 6 से लेकर 10 बजे के दरमियान उनको इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स का पहले से ही जो है वो ज़्यादा बिल अदा करना पड़ता है, क्योंकि वो यूनिट जो है वो पीक आवर्स के यूनिट होते हैं और उनको वापडा आपको महंगी कीमत के ऊपर फरोख्त करता है। और नेपरा ने इस बात का भी अंदिया दे दिया है कि वो पीक आवर्स जो शाम 6 से लेकर 10 बजे के दरमियान मतलब 4 घंटों का पीक आवर्स होता था, अब उसको बढ़ा के 4 से 6 घंटों का जो है वो कर दिया गया है। अब पीक आवर्स का टाइम जो है वो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक होगा, मतलब कि वो तमाम तर यूनिट जो आप शाम 5 से 11 के दरमियान इस्तेमाल करते थे तो आपको अब 6 घंटों का जो है वो इजाफी बिल जो है वो वापडो को अदा करना पड़ेगा। और वो तमाम तर लोग जो कि नेट मीटरिंग ऑलरेडी करवा चुके थे सोलर लगवा के, उनको शाम 6 से 10 के दरमियान इस्तेमाल होने वाले पीक आवर्स के यूनिट को एडजस्ट करने के लिए पहले ही काफ़ी जो है वो तकलीफ़ और मुश्किलात का सामना था, अब उन 4 घंटों की बजाय उनको 6 घंटे के पीक आवर्स के यूनिट को जो है वो अपने सोलर के साथ एडजस्ट करना जो है वो और भी मुश्किल हो गया है, और नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए भी जो है वो एक बुरी खबर है। जी तो दोस्तों, इन तमाम तर हालातों वाक़ात से आगाह होने के बाद जो है वो मैं आपको इस बात का जो है वो सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो है वो जल्द अज़ जल्द जो है अपना तमाम तर घर का जो सेटअप है उसको सोलर के ऊपर शिफ्ट करें। अगर आप नेट मीटरिंग करवाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं करवाना चाहते तो आप बैटरीज लगा के अपनी कम अज़ कम दिन के टाइम की जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस करें, ताकि आपको बिजली के इतने भारी भरकम बिल और गवर्नमेंट के जो उसके ऊपर से एक्स्ट्रा टैक्सेज होते हैं उनसे जान आपकी छूट जाए। क्योंकि सोलर जो है वो इस वक्त अपनी पिछले 2 साल की कीमत अगर उठा के देखा जाए तो सोलर पैनल इस वक्त अपनी कम तरीन सतह के ऊपर मौजूद है, तो आपके लिए ये प्राइम टाइम है कि आप सोलर पैनल जो है वो परचेज़ करें और अपने घरों के ऊपर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है उनको इंस्टॉल करवा लें, ताकि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान में डॉलर की कीमत के अप डाउन होने के साथ अगर सोलर पैनल की कीमतें भी जो है वो अप डाउन हो गई तो आपके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप सोलर की इंस्टॉलेशन करवाएँ। सोलर अगर पिछले 2-3 महीनों के अंदर चले जाएँ तो सोलर की उस वक्त की कीमत ₹130 पर वाट के हिसाब से आपको फ़रोख्त किए जा रहे थे, जो कि अगर आप 550 वाट का एक पैनल ख़रीदते हैं तो वो आपको ₹72,000 का एक पैनल मार्केट में मिल रहा था, जिसकी कीमत अभी रिड्यूस हो के तकरीबन 50,000 के करीब 55,000 के करीब जो है वो आई हुई है। तो आपको चाहिए कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप अपना शिफ्ट सिस्टम जो है वो सोलर के ऊपर शिफ्ट करें ताकि इन बिलों से आपकी जान छूट जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ और मेरे चैनल और मेरे इस वीडियो को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मुझे मज़ीद जो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए जो है वो मोटिवेशन मिल सके। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।